विस्थापितों ने रेणुका जी बांध के जीएम पर लगाए उन्हें मिलने का समय न देने के आरोप। 5 दिन पहले डीसी सिरमौर से मिल चुके विस्थापित समिति पदाधिकारी आज अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे जीएम ऑफिस। परियोजना महाप्रबंधक के अनुसार ऑडिट जारी होने के चलते उन्होंने विस्थापित नेताओं को कही थी बाद में विस्तृत चर्चा करने की बात। जीएम के अनुसार लोकसभा चुनाव आचार संहिता हटने के बाद शुरू की जाएगी टनल की टेंडरिंग प्रोसेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2021 को किया था 7,000 करोड़ की परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास। अरबों का बजट खर्च होने के बावजूद शुरू नहीं हुआ धेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य। बजट पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते 1960 के दशक से 2021 तक केवल नेताओं के भाषणों तक सीमित रही राष्ट्रीय महत्व की परियोजना। रेणुका जी बांध से विस्थापित होने वाले किसानों द्वारा गठित संघर्ष समिति ने आज एक बार फिर परियोजना महाप्रबंधक पर उनकी बात को अनसुना करने अथवा मनमानी के आरोप लगाए। समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि आज ददाहू में मासिक बैठक के बाद दर्जन भर लोग अपनी मांगों को लेकर जीएम से मिलने पहुंचे तो उन्होंने ऑडिट जारी होने का हवाला देकर केवल एक आदमी से मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाद में जब समिति के 4 पदाधिकारी ऑफिस में गए तो जीएमआरके चौधरी ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है और जल्द डीसी के साथ होने वाली दोनों पक्षों की बैठक में वह विस्थापितों की समस्या पर बात करेंगे। समिति पदाधिकारी के अनुसार इससे पहले भी लगातार जीएम उनकी अनदेखी कर रहे हैं और पिछले करीब 4 माह में वह ठीक से अपनी समस्याएं बांध प्रबंधन के समक्ष नहीं रख सके। गौरतलब है कि इससे पहले गत 5 अप्रैल को भी संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल डीसी सिरमौर से मिला था और उस दौरान भी उन्होंने डैम मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व प्रदेश सरकार पर एक दशक से विस्थापितों के पुनर्वास तथा मुजारे अथवा लैंडलेस लोगों के रिहेबिलिटेशन जैसी मांगों की तरफ ध्यान न देने के आरोप लगाए थे। परियोजना के महाप्रबंधक आर के चौधरी ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि दरअसल आज उनका ऑडिट चला था और इसलिए उन्होंने विस्थापित नेताओं से मुलाकात के दौरान शॉर्ट में अपनी बात रखने को कहा था। उन्होंने कहा कि समिति की मांग पर जल्द उपायुक्त सिरमौर द्वारा बैठक बुलाई जानी है और उसी दौरान मांगों पर विस्तृत चर्चा करने को लेकर उन्होंने समिति पदाधिकारियों को कहा था। गौरतलब है कि 1960 के दशक में गिरी विद्युत परियोजना के शिलान्यास के साथ ही रेणुका जी डैम संबंधी इन्वेस्टिगेशन कार्य शुरू हुआ था, मगर 3 साल पहले तक राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव तथा बजट न मिलने के चलते ये परियोजना सिरे नहीं चढ़ सकी। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब 7,000 के इस प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया जा चुका है, मगर विडंबना यह है कि अरबों का बजट खर्च होने के बावजूद अब तक HPCL अथवा विद्युत विभाग धेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सका। परियोजना महाप्रबंधक के अनुसार अब तक खर्च हुए करीब 1,000 करोड़ के बजट में से अधिकतर राशि विस्थापितों को मुआवजा जारी करने पर खर्च हुई है और सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही डायवर्शन टनल के टेंडर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। चर्चे इस बात के भी है कि रेणुका जी बांध परियोजना के लिए 90% बजट केंद्र सरकार जारी कर रही है और ऐसे में हिमाचल सरकार को इसका निर्माण कार्य लंबित होने की ज्यादा चिंता नहीं है। विस्थापित समिति की मासिक बैठक में आज संजय चौहान, हरिचंद, राजकुमार, टोलू राम व बलमोहन आदि समिति पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की बैठक हर बार की तरह 10 तारीख को आयोजित की गई, जिसके बाद संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि आज अपनी मांगों को लेकर माननीय जीएम रेणुका बांध प्रबंधन से बात की जाए, तो उसको लेकर हम बांध प्रबंधन कार्यालय गए। वहाँ पर पहले तो हमें जीएम कार्यालय से संदेश मिलता है कि यहाँ पर ऑडिट चल रहा है, एक आदमी को भेजिए। उसके बाद हमने कहा कि एक आदमी क्या करेगा वहाँ, हमारे कम से कम 4 आदमी तो आएंगे ही। फिर उन्होंने 2 आदमी को आने को कहा, फिर हम नहीं गए, फिर 4 आदमी हम गए अंदर। जैसे ही अंदर गए, हम बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जीएम साहब से बात करना चाहते थे, जिसमें हमने अपनी मांगों को शुरुआत ही की थी उनके समक्ष रखने अपनी मांगे रखने की, लेकिन उन्होंने पूरे हिटलर बनकर संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी थे उनके साथ बदतमीजी की और ये कहा कि मैं तभी बात करूंगा जब डीसी सिरमौर के साथ बैठक होगी, मैं बात करना नहीं चाहता। और संघर्ष समिति को हर बार वह इसी तरह ये समझते हैं कि संघर्ष समिति कोई है ही नहीं, विस्थापित कोई है ही नहीं, विस्थापितों को विस्थापन का दर्द है ही नहीं, तो वो ये समझते हैं कि मैं इनको डराना चाहता हूँ। उनका हिसाब तो ये हो रहा है कि खिसियानी बिली खंबा नोचे, और वो गुस्सा कहीं और जगह का, ऑडिट में अगर कहीं कोई कमियाँ होंगी तो उसका गुस्सा वो हमारे ऊपर उतार रहे हैं, संघर्ष समिति को अटका रहे हैं।
तो इस पर संघर्ष समिति इसका कड़ा विरोध करती है। पिछली बार चार बैठकों में हमने उनसे अनुमति मांगी बैठक करने की, लेकिन उन्होंने कभी बीमारी का बहाना बनाया, कभी भंडारे का बहाना बनाया, तो कभी क्रिकेट प्रतियोगिता का बहाना बनाया और उनसे बात नहीं हो सकी। तो इसका संघर्ष समिति कड़े शब्दों में विरोध करती है और आगामी समय में संघर्ष का ऐलान करती है कि अगर इसी प्रकार बांध प्रबंधन के महाप्रबंधक का यही रवैया रहा तो संघर्ष समिति इसका कड़ा विरोध करेगी और सड़कों पर उतरेगी।